ब्यावर से इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। आखिरकार ब्यावर विधानसभा से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हाँ, एक बार पुनः पारसमल जैन पंच को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दूसरी बार कांग्रेस ने पारसमल जैन पर अपना भरोसा कायम किया है। आपको बता दें कि पिछली बार पारसमल जैन पंच और शंकर सिंह रावत के मध्य जीत का अंतर बहुत कम रहा था, महज 4502 मतों का भाजपा और कांग्रेस में जीत का अंतर रहा था। ऐसे में भाजपा से शंकर सिंह रावत और कांग्रेस से पारसमल जैन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वहीं निर्दलीय के रूप में पूर्व में देवेंद्र ने अपनी ताल ठोकी थी, लेकिन इस बार मजबूत चेहरा जो इंद्र सिंह बागावास है वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं। ऐसे में ब्यावर में त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। तो ऐसे में ब्यावर में भाजपा से शंकर सिंह रावत, कांग्रेस से पारसमल जैन और निर्दलीय के रूप में फिलहाल अब तक जो नाम सामने आया है वो है इंद्र सिंह बागावास। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला साफ हो चुका है।